नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरे के बारे में बताऊंगा। एरे क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। आप लोग एक ही वेरिएबल के अंदर आप कई सारी वैल्यूज स्टोर करा सकते हो। जैसे कि पहले कोई प्रोग्राम बनाते थे, जैसे कि इंट नम नाम का वेरिएबल लेते थे या ए नाम का वेरिएबल लेते थे हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर, तो उसके अंदर एक ही वैल्यू जाती थी। आज एक ही वेरिएबल के अंदर अपन मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं कैसे करते हैं इसको। मैंने इसका एक्चुअली पहले से ही प्रोग्राम बना के रख रखा है, तो चलिए आइए दिखा देता हूँ उसको, समझा देता हूँ। देखिए ये जो ऑपरेटर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इसके अंदर ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, सॉरी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है ये, ठीक है। अब आई नाम का वेरिएबल हमने किस लिए लिया है? लूप चलाने के लिए। तो एरे में कितने की ले रहा हूँ मैं? 5 की ले रहा हूँ, मतलब मैं एक ही वेरिएबल के अंदर मैं 5 वैल्यूज स्टोर कराना चाहता हूँ। आप चाहो तो कितने की भी एरे ले सकते हो, 10 की, 15 की, 20 की, 100 की, कितने की भी आप एरे बना सकते हो। तो जितने की एरे बनाओगे, अब लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से लेकर 4 तक, मतलब लेस देन 5, मतलब 4 तक ही चलेगा। तो 0 से लेकर 4 तक में कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 5। अब जरूरी नहीं है इंडेक्स नंबर जो होता है, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर के अंदर आप 0 ही इनिशियलाइज करवाओ। आप चाहो तो 1 से भी एरे डिक्लेयर कर सकते हो, आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 तक ले सकते हो, ऐसे भी चला सकते हो। एंटर वैल्यूज इन एरे। अब यहाँ पर क्या होगा, एरे के अंदर अपन वैल्यूज स्टोर कराएंगे और यहाँ पर मैंने एरेज की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। देखिएगा मैंने कोई भी वैल्यू ले ली, जैसे 23, 45, 56, 89, 62, ठीक है। इस तरह से मैंने वैल्यूज ले ली और उनको प्रिंट करा के दिखा दिया। तो ये बात आपको लग रहा होगा ये तो लूप चला के भी हो सकती है, तो लेकिन एक ही वेरिएबल के अंदर ये इतनी सारी वैल्यूज गई हुई है, तो ये होता है एरे मेन। तो आई होप आप लोगों को एरे का ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई दिया करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले आने वाला वीडियो मैं इससे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगा। धन्यवाद।